टाइम पास एक डिजाइन जॉब। वेलकम वेलकम वॉरियर, आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए मैराथन, दिस इज ए पाथ टू अचीव योर डेस्टिनी। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपके पहले जॉब से लेकर डिजाइन इंजीनियर बनने तक आपको किन किन प्रोफाइल से गुजरना होगा, हर एक प्रोफाइल के लिए आपको कितना वर्क गुजरना पड़ेगा, आपकी हर एक प्रोफाइल में सैलरी रेंज क्या थी, हर प्रोफाइल में आपको किस तरह का काम करना पड़ेगा और इसमें आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसका मैं आपको ब्लू प्रिंट दूंगा। So firstly, take it easy, cool down. This is the blueprint of your design career growth path. तो दोस्तों, सबसे पहले आप join करोगे as a trainee engineer। उसमें आपका कालावधि 6 महीने से लेकर 1 साल तक होता है। इस दौरान आपको जो सैलरी होती है वो 12,000 से लेकर 18,000 तक होती है। As a trainee, आपका diversified काम होता है। आपको कोई भी काम दिया जाता है, चाहे वो फिर फाइल को ऑर्गेनाइज करना हो, प्रिंट आउट निकालना हो या कोई सिंपल ड्राइंग बनाना हो, ऐसा कोई भी तरीके का काम आपको दिया जाता है। ट्रेनी इंजीनियर के पास आपका कैड इंजीनियर का प्रोफाइल होता है, वो लगभग 2 साल का होता है। इसमें आपका सैलरी लगभग 19,000 से लेकर 28,000 तक होता है। इसमें भी आपका काम डाइवर्सिफाइड ही होता है, लेकिन ज्यादातर आपको सिंपल डिजाइन बनाने होते हैं। 3 साल के बाद आपका प्रोफाइल सीनियर कैड इंजीनियर का होता है। यह प्रोफाइल बहुत ही स्पेशलिस्ट मतलब आला दर्जे का होता है। यह प्रोफाइल में सही में आप और डिजाइन का काम करते हैं। इस प्रोफाइल में आपका सैलरी रेंज 29,000 से लेकर 35,000 तक होती है। यह प्रोफाइल लगभग 1 साल तक होती है। इस प्रोफाइल के दौरान आपको अब्रॉड जाने के लिए इन हाउस अपॉर्चुनिटी मिलती है। 4 साल के बाद आप लीडर के पोजीशन पर आते हो। यहाँ पर आपकी सैलरी लगभग 36,000 से लेकर 50,000 तक होती है। इस प्रोफाइल में भी 1 साल तक काम करते हैं। इस प्रोफाइल के दौरान आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। इस प्रोफाइल के दौरान आप क्वालिफाई हो जाते हैं अब्रॉड में अप्लाई करने के लिए। आप अब इंडिपेंडेंटली अब्रॉड जाने का सोच सकते हैं। 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपका प्रोफाइल हेड ऑफ डिपार्टमेंट और मैनेजर लेवल का बन जाता है। आपका काम एक रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटर का होता है। इस टाइम आपकी सैलरी नेगोशिएबल होती है। इस प्रोफाइल के दौरान आपको 100% अब्रॉड जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी होती है। दोस्तों ध्यान से सुनो, आपको पहले ABCD सीखना होता है, उसके बाद आप एक वर्ड बनाते हैं, फिर उस वर्ड के साथ आप एक सेंटेंस बना सकते हैं और उन्हीं सेंटेंस को लेकर आप एक पैराग्राफ बना सकते हैं और अंत में आप एक मीनिंगफुल आर्टिकल बना सकते हैं। इसी तरह आपको ये डिजाइन करियर के पाथ से गुजरना होगा। सो आर यू रेडी टू रन इन मैराथन एज अ वॉरियर? डज दिस मेक अ सेंस फ्रेंड्स? आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। Bye bye. See you in the next session. We skill up professional creativity. Hi. आज हजारों फ्रेशर इंजीनियर को अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करते ही तुरंत MNC कंपनी में डिजाइन इंजीनियर का ऑफर लेटर मिल जाता है। मैं आलोक ससाने, डिजाइन सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट। पिछले 12 सालों से लगभग 30,000 स्टूडेंट को मैंने डिजाइन इंडस्ट्री के लिए स्किल अप किया है, जिसके लिए मैं लगभग 25,000 तक कॉस्ट चार्ज करता हूँ। पर अभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे मेरे 25,000 के ऑनलाइन 5 कोर्सेज और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन। मेरे ऑनलाइन 5 कोर्सेज जिसमें मेरे 12 साल के किए हुए रिसर्च के हिसाब से कैसे डिजाइन इंजीनियर बना जाता है यह स्टूडेंट्स सीखेंगे, जो किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला। उसमें फर्स्ट है मास्टरमाइंड करियर हैक, जिसमें डिजाइन इंजीनियर बनने का पूरा ब्लूप्रिंट यानी के रोड मैप दिया जाएगा। सेकंड, विद क्लियरिटी डॉक्यूमेंट, जिसमें ऐसे सवालों की जवाब है जो अक्सर स्टूडेंट को परेशान करते हैं, जैसे मेरे लिए ऑनलाइन सीखना सही रहेगा या ऑफलाइन सीखना सही रहेगा। थर्ड, सॉफ्टवेयर करियर हैक,
इस कोर्स में हम सीखेंगे डिजाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इंडस्ट्री में किस तरीके से किया जाता है। फॉर द माइंडसेट ऑफ द डिजाइन इंजीनियर, यस, इस कोर्स में हम सीखेंगे कि एक स्टूडेंट को डिजाइन इंजीनियर बनने के लिए किस तरीके से अपने माइंडसेट को डेवलप करना चाहिए। फिर सॉफ्टवेयर मास्टरी है, इस कोर्स में हम देखेंगे कि डिजाइन इंजीनियर बनने के लिए हर एक सॉफ्टवेयर में हमें क्या और कैसे सीखना चाहिए। So now get ready for this, attend my upcoming live webinar of 60 minutes, worth 499, but now it's free for the first 100 students. जिसमें बताऊंगा मेरे तीन secret formula, that is BBM, EMM and IPP, जिसको implement करके student definitely design engineer बन सकते हैं। इतना ही नहीं, वेबिनार में स्टूडेंट को गिफ्ट में कूपन कोड मिलेगा जिससे 25,000 का ऑनलाइन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। So right now go down and click on the link to get it for free. Bye bye, see you in the webinar to achieve your dream job.